मारो, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे मत मारो, बचाओ, मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो। सर प्लीज इसके कातिल को ढूंढ दीजिए, वरना हमारी होटल की बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। तुमने कब देखा था बॉडी को? सर लगभग 7:30 के करीब देखा था, और मैंने जब ही आपको इन्फॉर्म किया। ठीक है, तुम जा सकते हो। ओके सर। हमें पूरे कमरे की छानबीन करनी होगी, कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। सर ये देखिए, हेयर क्लिप मिली है। वेरी गुड। और मुझे एक ये चीज मिली है, पता नहीं क्या है। सर ये किसी कपड़े का टुकड़ा हो सकता है। हाँ, संभाल के रखो। एक सेकेंड, इसके हाथ में क्या है? ये देखो क्या मिला। सर ये तो घड़ी का टुकड़ा लग रहा है। सर ये हमारे लिए अहम सबूत हो सकता है, और खूनी इसको लेने के लिए जरूर आएगा। तो आज तुम कहाँ थे? सर मैं यही काम कर रहा था अपने गार्डन में सुबह से। इसे पहचानते हो? सर मैं आपको सब सच बताता हूँ सर। वेरी गुड, बोलो। साहब मैं आपको बताता हूँ साहब, यहाँ पे ना एक साहब लड़की थी, और वो मेरे मना करने के बाद भी मेरे गार्डन में कूड़ा डाल रही थी। फिर जब मेरे को बहुत गुस्सा आया तो मैं उसके रूम में उसको डांटने के लिए गया, और मैं जाके देखता हूँ कि वहाँ पे उसकी लाश पड़ी हुई थी। फिर मैं डर की वजह से अपने गार्डन में वापस आ गया, और ये सब देख के ना साहब मैं डर गया था, ताकि इसके खून का इल्जाम मेरे सिर पे ना लगे साहब। सर आपको क्या लगता है ये सच बोल रहा है? साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, साहब मेरे को जाने दो साहब। तुम जा सकते हो। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। सर आपने इसे जाने क्यों दिया? मुझे यही लग रहा था खूनी। नहीं ये खूनी नहीं है, इसके पास मारने के लिए कोई बड़ी वजह नहीं थी। तो कहाँ थी आज आप? सर आज तो पूरा दिन मैं अपने कमरे में ही थी। हाँ इसे तो पहचानते होगे ना आप? सर वो ना एक्चुअली ना बात ये है कि मैं और पूर्णिमा टेरेस पे बैठे थे, और एकदम से मैनेजर आया और बोला, मैम आप सबका नाश्ता रेडी है, आप हॉल में आ जाइए। हाँ आ रहे हैं। ओके मैम। अरे रुकना, एक सेल्फी लेते हैं पूर्णिमा। हाँ चल ठीक है लेते हैं सेल्फी। क्या कर रही है? यार फिल्टर लगा रही हूँ। कभी नहा भी लिया अगर, फिल्टर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों भाई? सर मैं ये मजाक सुन के परेशान हो गई थी, और बस मैं यही समझाने के लिए उसके रूम में गई थी, पर मैंने देखा कि उसकी लाश पड़ी हुई थी, और उसकी लाश देख के मैं डर गई थी और वापस चली गई थी। सर आप इसकी कहानी को मानते हो? मुझे तो लग रहा है ये अब भी झूठ बोल रही है। सर मैंने खून नहीं किया, प्लीज मुझे जाने दो। ठीक है तुम जा सकती हो। थैंक यू सो मच सर। सर आपने इसे भी जाने दिया, मुझे तो इसकी कहानी झूठी लग रही थी। कोई बात नहीं, हमारे पास अभी एक और सस्पेक्ट है, उससे बात कर लेते हैं पहले। सर मैं इस होटल का मैनेजर हूँ, आप मेरे पे ही शक कर रहे हो? शक नहीं कर रहे, पूछताछ कर रहे हैं, ये हमारा काम है। ठीक है आप पूछ लीजिए जो आपको पूछना है मुझसे। तो तुम कहाँ थे पूरे दिन आज? सर मैं आपको बिल्कुल सच सच बात बताना चाह रहा हूँ, मैं और पूर्णिमा पहले एक दूसरे से प्यार करते थे, और आज वो मेरे रिसोर्ट में अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ घूमने आई थी। नया बॉयफ्रेंड? हाँ सर, हाँ नया बॉयफ्रेंड। जब से मर्डर हुआ है तब से गायब है, और मुझे लग रहा है कि उसने ही पूर्णिमा को मारा है। सर इसके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है। सर उसी ने मर्डर किया होगा। सर प्लीज मुझे जाने दो, मेरा कोई कसूर नहीं है। ठीक है तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। सर पर खूनी को जरूर पकड़ लेना सर, हमारे होटल की इज्जत का सवाल है सर। थैंक यू सर। सर आपने इसको भी जाने दिया, मुझे तो यही खूनी लगता है। इसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को उसके न्यू बॉयफ्रेंड के साथ देखा, तो इसने जेलसी में खून तो नहीं कर दिया? लेकिन एक सस्पेक्ट अभी बाकी है, पूर्णिमा का प्रेजेंट बॉयफ्रेंड, वो कहाँ होगा? सर हमें और तहकीकात करनी चाहिए। तो अभी तक इतना समझ तो आ गया है कि पहले सस्पेक्ट ने जब पूर्णिमा को देखा तब वो जिंदा थी, लेकिन जब वो उसके पास गया तब तक वो मर चुकी थी। तो मर्डर इसी दौरान हुआ है। तो मर्डर अगर सस्पेक्ट वन ने नहीं किया, सस्पेक्ट टू ने भी नहीं किया, तो बचते हैं सस्पेक्ट थ्री और पूर्णिमा का नया बॉयफ्रेंड सस्पेक्ट फोर। अगर वो मिल गया तो असली खूनी का पता चल जाएगा। एक मिनट, ये ग्लास यहाँ कैसे है, और ये किस चीज के निशान है? लगता है उस डिटेक्टिव को मैनेजर पे शक हो गया है, मैं बच जाऊंगा आज। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? चलो मेरे साथ। सर मैंने कुछ नहीं किया, ये सब उस मैनेजर ने किया है। वो उसने और मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे भी मारने की साजिश की थी। अच्छा तो क्या हुआ था? सर वो कुछ ऐसा था। कैसा लगा मेरा रिसोर्ट? तुमने इतना पैसा कैसे कमा लिया? बस तुम्हारे जाने के बाद कुछ तो असर आएगा मुझ पे। मैं कहाँ गई?
तुम्हारे सामने ही खड़ी हूँ। और वो जो तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है उसका क्या? तुम चिंता मत करो, आज उसका आखिरी दिन होगा। ये हुई ना बात। उन दोनों का प्लान मुझे मारने का था, और जब वो मुझे मारने का प्लान कर रहे थे तब मैंने उनकी सारी बातें सुन ली थी, और ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। जब पूर्णिमा ने पानी के गिलास में जहर मिलाया मैंने उसे देख लिया था, फिर वो मेरे पास पानी का गिलास लेके आई और मुझे पानी पीने को कहा। मैंने वो पानी का गिलास हाथ में लिया और पीछे मुड़ गया। उस वक्त पूर्णिमा का एक्स बॉयफ्रेंड भी वहां था, और मैंने वो जहर वाला पानी पीने के बजाय नीचे गिर दिया और उनके सामने मरने का नाटक किया ताकि उनको यकीन हो जाए कि उनका प्लान कामयाब हो चुका है। और ऐसा ही हुआ, उनको यकीन हो गया था। उन्होंने मुझे मरा हुआ समझा और मुझे वहां से उठा के ले गए और होटल की पीछे वाली पहाड़ी पर मुझे छोड़कर भाग गए। अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। हाँ, जंगली जानवर अपने आप खा जाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैं जिंदा हूँ। फिर मैं भी वहां से उठकर होटल से दूर चला गया। सर, मुझे तो शुरू से ही मैनेजर पे शक था। सर, उसी मैनेजर ने उसे मारा है। मैं क्यों मारूं अपनी गर्लफ्रेंड को? मैं उससे बहुत प्यार करता था। ठीक है, तुम उधर जाओ, हमारा वेट करो, हम आते हैं। धन्यवाद सर। देखा सर, मैंने कहा था ना, उसी मोटे मैनेजर ने खून किया है, आप मेरी बात मानते कब हो? तो आप लोगों को भी यही लग रहा होगा कि मैनेजर खूनी है, लेकिन थोड़ा रिवाइंड करते हैं। पहले सस्पेक्ट और दूसरे सस्पेक्ट की चीजें हमें जमीन से मिली है, लेकिन हमें जो तीसरी चीज मिली है ये बॉडी के हाथ से मिली है। अब ये तीसरी चीज या तो सस्पेक्ट 3 की होगी या सस्पेक्ट 4 की। सस्पेक्ट 4 की बात सही थी, फोरेंसिक टीम के जांच करने के बाद पता चला कि पानी में जहर था, लेकिन सस्पेक्ट 3 अगर मर्डरर होता तो वो सारे सबूत मिटा सकता था। तो फिर सस्पेक्ट 4 ने मर्डर कुछ इस तरीके से किया होगा। जिंदा हो? तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं लगेगा तुम्हारे बारे में? तुमने मुझे मारने की कोशिश की ना? नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। जब उसे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे धोखा दे रही है, इस बात से वो गुस्सा हो गया। और इस चीज का पता तब चला जब उसकी जेब में मैंने तीसरा सुराग यानी उस घड़ी का बाकी हिस्सा देखा, जो सस्पेक्ट 4 मर्डर करते वक्त वही भूल गया था। लेकिन जब वो उसे दोबारा लेने आया तो उसका बाकी हिस्सा पूर्णिमा के हाथ में ही रह गया था। तो मैनेजर ने मर्डर अटेम्प्ट किया है, इसकी सजा इसको मिलेगी, और जिसने पूर्णिमा का खून किया वो है सस्पेक्ट 4। हेंस केस क्लोज्ड।